If you see the partially demolished structure behind me, it is a building cum office which was owned by mafia turned politician Atiq Ahmed, who was recently killed by 3 shooters in Prayagraj. There are several such buildings in Chakia area of Prayagraj. This Chakia area once used to be stronghold of Atiq Ahmed, and there are several such buildings which have either been partially or completely demolished by the local administration here in what is claimed to be a crackdown on the gang. Ever since the Yogi government came to power in 2017, according to official estimates, property and establishments worth rupees over 1200 crores have either been sealed or demolished in administrative action. And these properties and land and assets belong to Atiq Ahmed and his associates. नहीं गए थे, क्या कहना आप? कुछ कहना आईडी वो हम दे देंगे तुमको यार। नहीं गए। सुना था कि अतीक अहमद आ रहे हैं, जैसे आए तो मालूम पड़ा कि ये मेडिकल का कराने आए हैं। मेडिकल करा के चले गए, अब कल फिर आ गए। देखा जब गाड़ी आई 2 जीप, अब परसों 3 जीप थी, अब भरी हुई थी एकदम। और कल के देखा एकदम सन्नाटा। कल प्रशासन के कम लोग, अरे कम से 6-7 थे। और जब गेट के अंदर आने लगा थी ये हुआ, कैमरा वाले बहुत थे और उसी के बीच में घुस के आगे आगे आने लगा। गेट के जब अंदर आने लगा तो उसमें कम से कम 10 पुलिस टोटल थे। मैं गिना तो नहीं, अंदाज दिखता है। अब वो जब पुलिस कम थी तो ये जो है बदमाश लोग अंदर घुस के, और वहीं घुस के ना आइए आइए कमर में, आइए आइए आगे साफा में हाथ हटा के और गोली मारा। रात को वो लोग लेके गए वहाँ पे मेडिकल के लिए, जबकि रिमांड पे ले जाते हैं तो आम तौर पे ये नियम है कि वो दिन में लेके जाते हैं। 2-3 बार भी लेके जाए तो वो दिन में ही लेके जाते हैं। रात में लेके गए, मीडिया वालों को जानकारी थी और वीडियो सबने देखा है कि कुछ लोग आए और खुल्लम खुल्ला मार के चले गए। जब उसके बेटे का उन्होंने एनकाउंटर किया तब तो उन्होंने ये कहा कि वो भाग रहे थे और इसलिए हमें मजबूरी में मारना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम उनकी मजबूरी साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल पास पहुँच के मारा और पुलिस की ओर से एक भी गोली नहीं चली। तो हम गोली की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये बात नहीं कह रहे हैं, हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि इससे उनका 2 पर्सपेक्टिव, 2 मामलों में 2 तरह का जो है उनका सोच समझ में आता है।